कोपिट अभी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई लेकर के आए, इसके अंदर गैस को ऑन किया है। उसके बाद अभी उसी रवा, पहले की तैयारी कर लिया था, इसके अंदर हमने डाला था 5 स्पून घी, राई, जीरा और मूंगफली, हरी मिर्ची सब कुछ डाल करके अभी हम इसके अंदर डाल जा रहे हैं वापिस। ये आप बना करके भी रख सकते हैं, 2-3 दिन यूज़ कर सकते हैं, 2 और 3 डेज यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम अच्छा हॉट फ्राई करेंगे और इसके साथ में हम बनाने जा रहे हैं हॉट वाटर, यानी गर्म पानी, गर्म पानी अभी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमने ये कटोरे लिया है और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं 3 ग्लास हॉट वाटर। तो अभी हम जल्दी से जल्दी 3 ग्लास हॉट वाटर फ्राई कर लेंगे और टेस्ट के अनुसार हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं साल्ट यानी नमक। ये हमारा स्पेशल उपीट भी बन जाएगा। हम हमेशा जल्दी जल्दी हर पता का वीडियो बनाकर सेव कर देते हैं, ये डाल दें साल्ट। ओके, और अभी हम बनाने जा रहे हैं, अभी हमारा उपीट बन करके तेजी से अच्छी तरह से पक गया है। अभी इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं हॉट वाटर यानी गर्म पानी। पहले इसके अंदर ऑयल है इसलिए हम ऐसे करके इसके अंदर डाल देंगे और हम ये पूरा पानी डालेंगे। कभी भी उपीट बनाते समय हिलाना नहीं, 1 टाइम हिला के छोड़ देना, ऑटोमेटिक ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। और यदि आपने बार बार हिलाएंगे तो तब ये उपीट ऐसा ही रह जाएगा, ये पकने वाला नहीं, हमेशा ध्यान रखें। देखिए ऐसा 1 टाइम किया, रवा उसके पानी 2.5 क्वान्टिटी डालना चाहिए। सपोज आधा कटोरी आपका रवा है तो उसके अंदर 2.5 कटोरी पानी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये बराबर पकेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी ऑल आइटम इसके अंदर डाल दिया है, अभी ये उपीट पक जाएगा और आप भी ऐसा घर पर बनाइए और खाइए और मस्त रहिए। ये उपीट लहसुन का चटनी, लाल पाउडर, चिली पाउडर का चटनी बना करके या नारियल का चटनी, जैसा भी कोकोनट चटनी, सूखा खोपरा का भी बना सकते हैं पाउडर, और ग्रीन चिली डाल करके धनिया का चटनी के साथ में भी खाया जा सकता है। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हम बार बार बनाते हैं और खाते हैं और जो उसके अंदर जिंदगी जीते हैं। कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए।